तो मैंने बेसिकली शेंगेन वीजा लगवाया। क्या डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन में पहुंच गया हूँ कि यार मेरी कोर्स क्या है यहाँ आने के लिए और इन फ्यूचर आपको इसका क्या फायदा होगा। 5 साल का जो है ना सिर्फ विजिटिंग वीजा मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद इंडिया की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो यार आज हम बात करने वाले हैं 2 ऐसे बेनिफिट्स जो मुझे लगता है यूके आने के बाद आप लोगों को मिलते हैं। उनमें से एक ही है कि आपकी यहाँ पर आप लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लर्निंग बहुत किस्मों की हो सकती है, आपको स्टडी की लर्निंग होगी, जॉब की होगी, इंटरव्यूज़ की होगी, बहुत डिफरेंट टाइप्स की आपको यहाँ पर लर्निंग होती है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ से ट्रैवल करना बहुत ईजी होता है। ख़ासतौर पर मेरे जैसे जो लोग जो शौकीन हैं यूरोपियन कंट्रीज़ घूमने के, तो उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यहाँ से आपका वीज़ा रिजेक्शन नियर बाय 5% होगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली किसी भी यूरोपियन कंट्री जा सकते हो। तो ऐसे ही भाई आपके ने भी अपना वीज़ा लगाया था, स्पेन का लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, 2 महीने हो गए, लेकिन मैं ट्रैवल नहीं कर रहा था और मुझे जाना था इटली। लेकिन अब जब आप शेंगेन वीज़ा लगवाते हो, मैंने बेसिकली शेंगेन वीज़ा लगवाया, और अगर आप ये वीज़ा लगवाते हो तो उसके बाद क्या होता है कि आपको उस कंट्री में पहले जाना पड़ता है जहाँ का आपने वीज़ा लगवाया। तो अभी मुझे दरअसल इटली जाना था घूमने के लिए, वहाँ पर मेरी कज़न होती हैं, तो उसके लिए अब ज़रूरी था कि मैं स्पेन जाता। अब स्पेन जाना था तो स्पेन भी 2-3 दिन लगाने थे, लेकिन अब हुआ ये है कि मेरे जो साथ वाला था हमजा, उसका भी वीज़ा लगा था, वो गया स्पेन और स्पेन जा के पहले ही घूमा है। उसने कहा यार तुमने जाना नहीं है, मेरी दरअसल यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी देर टेस्ट वगैरह थे, असाइनमेंट्स वगैरह थी, तो मैं जा नहीं पा रहा था। लेकिन उसने क्या किया, वो अकेला गया और घूम के आ गया। अब सीन ये है, अब मेरा घूमने का दिल नहीं कर रहा, मैं कहाँ जाऊँ अकेला और कहाँ घूमता फिरता रहूँ ना। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 1 डे टूर किया। अब मैंने करना क्या, सिर्फ जाना है वहाँ पे, आधा दिन गुजारना है और वापस आ जाना है। तो अब सीन ये है कि आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊँगा कि आपको ट्रैवल करना क्यों चाहिए वहाँ पर, उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको कितने में पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। इसके भी 2 तरीके हैं ना, ठीक है। अगर तो आप एजेंट से लगवाना चाहो तो आप एजेंट से लगवा सकते हो, अगर आप खुद लगाना चाहो तो आप खुद भी लगवा सकते हो। मैंने एजेंट से लगवाया। अगर आप कहते हो कि यार हमने खुद लगाना है, हमें उसका तरीका बताओ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं वो भी तरीका आपसे शेयर कर दूँगा, पूरी एक वीडियो उस पर भी डिटेल बता दूँगा कि आपको वो कैसे अप्लाई करना है। लेकिन एजेंट से करवाने का फ़ायदा ये है कि यार आपकी कोई बुकिंग शुकिंग ये वो सब कुछ जो है ना वो आपको कर देगा, थोड़े से पैसे लेगा, ज़्यादा भी नहीं होते, थोड़े से पैसे होंगे, वो चार्ज करेगा और आपका सब कुछ खुद कर देगा। तो इट्स बेटर रिस्क नहीं लेना, क्योंकि उसमें ये है कि वो आपकी जो टिकट्स वगैरह ना वो अरेंज तो कर देगा। उसमें आपको ट्रैवल करना है नहीं करना वो कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ वो शो करेगा। अगर आपको किसी और दिन के लिए जाना है तो आप वो भी बुक कर सकते हो, तो वो बेस्ट है। मैंने भी ऐसे किया, वो टिकट्स वगैरह सब कुछ उसने शो करवा दिया, लेकिन मैंने जो है वो डेट्स चेंज कर दी, तो सीधी सी बात है। तो अभी बादल वगैरह आए हुए हैं, मैंने भी ऑयल वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगाया रात से, अभी जाते हैं शेव वगैरह करवाते हैं, उसके बाद चलते हैं और आपको साथ लेके चलता हूँ। तो यार तो यार घर से मैं निकल गया हूँ और साथ ही मेरे हमजा, तो अभी हम शूट कर रहे थे तो पता लगा कि यार इमरान खान पकड़ा गया है, तो अभी हमजा वहाँ जा रहा है तो मैं तो नहीं जा सकता, वो जा रहा है नवाज शरीफ के घर इवन फील्ड। तो यार अभी नवाज शरीफ का नाम लिया था तो वीडियो मैंने वहाँ रोक दी, हमारे साथ ही एक घर था तो वो लोग बाहर खड़े हुए थे, तो वो कहते कहाँ पे जा रहे हो, आपको नहीं पता इमरान खान पकड़ा गया। हमने कहा हम वहीं जा रहे हैं, हालांकि हम जा रहा था, तो वो कहती हाँ हाँ जाओ जाके वहाँ जाके उसको कुट लगा के आओ ये वो। यहाँ के लोगों को भी ना इतना ज़्यादा जुनून है, और यहाँ पर मैंने भी देखा इतनी ज़्यादा रस्ते में ट्रैफिक थी, मैं दिखा भी नहीं पाया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अब जितने भी लोग हैं ना, अगर आप लोग इनको टिकटॉक वगैरह पर या यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, क्योंकि हमजा जैसा आलसी बंदा भी जा रहा है, ठीक है, तो इट्स मीन वहाँ पे वाकई बहुत रश होने वाला है। तो यूके आके जितनी जल्दी प्लेटफॉर्म देखना सीख जाओगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। अब यहाँ पे कम से कम 15 प्लेटफॉर्म थे और मुझे ढूंढते ढूंढते ही 15 मिनट लग गए, यकीन मानो, क्योंकि एक ही तरह के ना टोटनम जो है ना वो कोर्ट रोड भी है, स्टेशन भी है, हिल भी है, तो इस तरह की 3-4 नाम से तो मैं भी पजल हो गया, मैं गलत जाने लगा था, शुक्र है नहीं बैठा। तो अभी प्लेटफॉर्म 12 पे आया हूँ, यहाँ से 10 मिनट की जो है वो ट्रेन जाएगी अगले स्टेशन पे, और वहाँ से फिर 6 मिनट मिलेंगे मुझे चेंज करने के लिए, और वहाँ से मैं डायरेक्ट पूरे 1 घंटे की ट्रेन जाएगी और मैं पहुँचूँगा स्टैनस्टेड एयरपोर्ट। There's not much to do when all I can
is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside. तो यार मेरी जो फ्लाइट है उसमें अभी 2 घंटे हैं, तो यहाँ पे भाई लिखा हुआ है रिलैक्स, और उसकी वजह से मुझे दोबारा चीज़ें लेनी पड़ी हैं, क्योंकि यार आपको जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ आके लेनी पड़ती हैं, आप कोई भी चीज़ बाहर से नहीं ला सकते। मुझे नहीं था यार, एक मैं मॉन्स्टर लेके आया था, उन्होंने फेंक दिया, एक पानी था, वो पानी कहते अभी पियो, कोई जगह भी नहीं थी फेंकने की, तो सारी बोतल मुझे उस टाइम पीनी पड़ी, तो अब मुझे अंदर से ये चीज़ें लेनी पड़ रही हैं। यार JD में जब भी आता हूँ ना मेरा खर्चा आ जाता है, और अभी मुझे यहाँ पे मेरे फेवरेट शूज़ देखे हैं और उन पे मुझे तकरीबन 12% या 15% ऑफ भी मिल रहा है। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो शूज़ भी ले लूँ। मैं आपको शूज़ दिखाता हूँ। तो यार शूज़ को मैंने पेंडिंग रख दिया सुबह पे, क्योंकि अभी वो बॉक्स वगैरह भी देते हैं, तो मैं लेके कहाँ घूमूंगा, तो इंशाल्लाह सुबह को मैं वापसी को वो ले लूँगा, क्योंकि वो शूज़ मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, और मेरे आसपास जितनी भी शॉप्स थी, मैंने रिसेंट भी एक वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने दिखाया था कि यार मैं वो देखने जा रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन वो बाय करना है, लेकिन यहाँ पर वो वैसे ही बहुत सस्ता मिल रहा है, पता नहीं क्यों, तो इंशाल्लाह सुबह बाय करेंगे। तो यार बर्गर किंग आया था कुछ खाने, क्योंकि लाने तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, और खा के मैं काफ़ी देर पहले गया हूँ, लेकिन कुछ भी हलाल नहीं है यहाँ पे। तो यार गेट नंबर मिल गया, गेट नंबर है हमारा 49। अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन में पहुंच गया हूँ, जिस काम के लिए आया था वो भी हो गया, बेसिकली मुझे ठप्पा चाहिए था वो लग गया, क्योंकि उसके बगैर मैं बाद में पेरिस इटली नहीं जा सकता था, क्योंकि नेक्स्ट ये जो सिर्फ वीडियो होगी ना, ये एक तरह से आपको सिखाने के लिए समझो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार हमने विजिट पर जाना, अभी मैं ही नहीं गया था तो मैं कैसे बता सकता था ना आपको कि क्या करना है, तो अब काफ़ी आइडिया हो गया मुझे आपको कहाँ पर क्या क्या करना है, तो मैं सारा एंड पे आपको बता दूँगा। अभी सीन ये है कि भाई मुझे ठप्पा लगवाना था वो लग गया, और यहाँ पर लोग ऐसे गुरबत के हमारे लेटे हुए हैं ना, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो यार डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होते हैं, लाइक आपका पासपोर्ट, BRP, बैंक स्टेटमेंट, यूनिवर्सिटी से लेटर, और आपका ईमेल, आपका नंबर, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको एजेंट कहेगा वो आपने दे देनी है। खुद कर रहे हो तो वो आपको लिखा नज़र आ जाएगा, आप खुद भी कर सकते हो, आसान है। उसके बाद कम से कम 800 पाउंड की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ की वो मांगेगा, ठीक है, तो वो नॉट लेस देन 800 हो, ठीक है, यानी 1000 कम से कम देख लेना कि उसमें हो। तो उसके बाद जब आपने एयरपोर्ट पर आना है ना, तो आपके पास आपका पासपोर्ट और BRP, ये 2 चीज़ें लाजमी चाहिए, इसके अलावा फ़िलहाल कोई भी चीज़ नहीं है, लाइक कोविड वगैरह की कोई चीज़ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट, BRP, उसके बाद आपका बाकी बोर्डिंग पास वगैरह वो जो भी है वो सब कुछ ऑनलाइन रात में ही चेकअप कर लेना, क्योंकि रात कर लोगे तो अच्छा रह जाओगे, यहाँ पर आओगे तो थोड़ी खज्जल खुआरी हो जाएगी। तो यार अब मैंने गौर किया कि ये सारे नीचे क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि नीचे जो हैं वो चार्जिंग पोर्ट्स लगी हुई हैं, तो वो सारे वहाँ बैठ के चार्ज कर रहे हैं, तो मैंने भी एक ठिकाना ढूंढ लिया है, लेकिन मैंने जो ठिकाना ढूंढा वो सिर्फ आपसे बात करने के लिए है। तो बात करते हैं कि यार मेरी कोर्स क्या है यहाँ आने के लिए, और मुझे क्या कुछ करना पड़ा है, और बेसिकली मुझे इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि अब आपके सामने है कि मैं सिर्फ आया हूँ यहाँ पर और सुबह को मेरी फ़्लाइट है, तो मैंने ऐसा क्यों किया वो मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा, और इन फ्यूचर आपको इसका क्या फ़ायदा होगा
ये भी मैं साथ साथ बताता चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे अक्सर मैसेज आते हैं कि यार हम यूके आगे आगे ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेसिकली आज समझो उस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। अब सीन ये है कि यूके आके, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपका यहाँ से ट्रैवल करना बहुत आसान है, तो आप किसी और कंट्री में जाना चाह रहे हो, आपका वहाँ का चेक नहीं लग रहा, तो भाई स्टडी वीज़ा पे कम से कम इधर तो आओ ना। यहाँ आने के बाद आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर लाइक जैसे आप रिसर्च पे हो, बड़ी मज़े की बात बताता हूँ और बड़ी पते की बात है, ठीक है, जो आपके काम आने वाली है। अगर आप लोग रिसर्च लेते हो तो उसमें आपको ये भी फ़ायदा होता है कि अगर रिसर्च में आप ये भी लिख दो ना कि मुझे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या यहाँ कहीं भी जाना है, तो आपको यूनिवर्सिटी एक कोर्स की तरह लेटर देती है। उस लेटर का आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप लोग वहाँ, लाइक अभी मेरी रिसर्च चल रही है ना, तो मैंने ये सोचा कि यार मैं अमेरिका अप्लाई करता हूँ, ठीक है, जो मेरी कंपनी मैंने चूज़ करनी है वो मैं अमेरिका चूज़ करता हूँ। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी को कह सकता हूँ कि सर मैंने अमेरिका जाना है, ठीक है, मैंने मेरी जो रिसर्च है, ठीक है, वो अमेरिकन बेस्ड किसी इंडस्ट्री की है, ठीक है, वो मुझे एक लेटर दे सकते हैं और उस लेटर पर मुझे 5 साल का जो है वो एक तरह से विजिटिंग वीज़ा मिल सकता है, ठीक है, और मैं वहाँ जाकर रिसर्च या रिसर्च का मैं वहाँ जाकर एक तरह से काम भी कर सकता हूँ। और ज़ाहिर बात है वो ज़्यादातर आपको फुल पे तो नहीं करते, पर हाफ तो कम से कम पे मेरी, ऊपर से आपको 5 साल का वीज़ा मिल रहा है। लेकिन मैंने ये शेंजन वीज़ा क्यों लगाया, क्योंकि यार देखो शेंजन वीज़ा बेसिकली हर बंदा क्यों लगवाता है, उससे ये होता है कि आपकी जो हिस्ट्री है ना वो बहुत अच्छी होती है। अब लाइक पाकिस्तानी जो वीज़ा है ना उसको रिजेक्शन बहुत इजीली मिल जाती है, बहुत, क्योंकि बहुत थका हुआ माना जाता है। तो लोग क्या करते हैं यहाँ पर आके, जैसे लोग क्या, मैं खुद ये कर रहा हूँ, उससे क्या होता है कि आपके जो वीज़े की ना पावर जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके पासपोर्ट की जो पावर है ना वो ज़्यादा बढ़ती है बेसिकली। सॉरी दीदा मैंने गलती से बोल दिया। तो अब उसमें आपको पावर कैसे मिलती है, देखो अगर आप, अब मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ बार्सिलोना, ठीक है, बार्सिलोना के बाद अगर मैं जा रहा हूँ पेरिस जा रहा हूँ, चलो इटली जा रहा हूँ, तो जब बहुत ज़्यादा स्टैम्प्स मेरे पे लगेंगी ना, उसके बाद अगर मैं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करता हूँ या अमेरिका कहीं भी अप्लाई करता हूँ, तो वो ये देखते हैं कि यार इसकी हिस्ट्री अच्छी है, इस बंदे ने पहले भी ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है, इसका कार्ड गंदा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको ईजीली जो है ना वो वीज़ा दे देते हैं। तो बेसिकली ये एक मेन चीज़ है कि क्यों लोग शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं कि आपकी जो हिस्ट्री है आपके पासपोर्ट की वो स्ट्रॉन्ग होती है, और इसकी बेस पे आप कहीं और जाना चाह रहे हो तो वो आपको इजीली दे देते हैं। तो ये बेसिकली सीन था। तो आप बात कर लेते हैं कि कोर्स क्या आई है मेरी यहाँ पर आने की। अब मैंने जो था वो एजेंट से अप्लाई करवाया था, तो एजेंट को मैंने £70 दिए थे सिर्फ, उसमें उसने मेरी टिकट, उसमें मेरा, उसने जो होटल वगैरह शो करवाना था वो सब कुछ उसने किया था, ठीक है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब सीन ये था कि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि एक बार आपकी, आपका रिजेक्शन आ जाना तो फिर आपकी वैल्यू अच्छी नहीं रहती। तो ये है कि एक बार करवा लो काम, अच्छा करवा लो। तो मैंने एजेंट से करवाया था, कोई भी आपके आसपास ट्रैवल एजेंट है उसे कहो कि भाई मैंने ऐसे ऐसे जाना है। अगर आपका डे फिक्स है ना तो फिर अपनी जो पक्की टिकट होगी ना वो पक्की टिकट करवा लेना। मेरी कोई भी पक्की टिकट नहीं थी, ना थी मेरी ट्रैवल की और ना ही मेरी थी होटल की, ठीक है। अगर आपने वाकई जाना है, ठीक है, उसी दिन जाना है, तो आप उसको कह दो कि यार मेरी पक्की टिकट करवा दो, तो आपकी वो भी करवा देगा, पर मैं आपको मशवरा दूंगा वो टिकट आप खुद करवाना। उसके बाद £70 वो एक गए, उसके बाद एम्बेसी फीस, एम्बेसी आप कहोगे कि यार तुम स्पेन क्यों आए हुए, अगर तुमने कहीं और जाना था, तो बेसिकली सीन ये था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ का करवाया था। तो अब उसकी एम्बेसी की फ़ीस कम से कम £150 है, ठीक है, अब बढ़ गई हो तो मुझे पता नहीं, लाइक 2 महीने पहले तो इतनी थी। तो अब अपॉइंटमेंट आजकल इसकी भी लेट मेरी है, तो जो वो बंदा था ना उसने भी पैसे बढ़ा दिए हैं, पहले 70 लेता था, वो 170 ले रहा है। तो सीन ये है कि मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि मैं मेरे वाले बंदे से ही करवाऊँ। आपके पास कोई भी ट्रैवल एजेंट है आप उसके पास जाके तो उससे बात कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि टिकट की क्या कॉस्ट आई है। तो टिकट्स यार हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। लाइक आपको यार यूके से तो हर जगह ना बिल्कुल पास पड़ती है, लाइक ये 2 घंटे मुझे यहाँ पर आने में लगे हैं। तो अब मुझे कॉस्ट आई है तकरीबन ऑलमोस्ट सब कुछ मिला के £90, ठीक है, लेकिन आपको 40 की भी मिल सकती है, आपको 20 की भी मिल सकती है, आपको 60 की भी मिल सकती है, आपको 200 की भी मिल सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कब जा रहे हो, ड्यूरेशन क्या है, फ़्लाइट कौन सी है, सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है, स्टे कितना है बीच में, तो सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। मैं ये आपको कहूँगा कि हमेशा जो है ना वो डायरेक्ट लेना 2 घंटे किया, तो बीच में कोई भी बीच में बचोला ना डालना कि आपको सेल्फ ट्रांसफ़र करना पड़े। सेल्फ ट्रांसफ़र में क्या होता है कि आपका जो वीज़ा शीज़ा आपको दोबारा चेक करवाना पड़ता है, आपका सामान सारा दोबारा चेक करवाना पड़ता है, तो आपकी फ़्लाइट मिस हो सकती है। तो 2 घंटे की फ़्लाइट है, मैं यही कहूँगा अगर £5-10 ज़्यादा भी लगते हैं ना लगा देना। अब टोटल कॉस्ट मेरी यही है 150 जो मैंने एम्बेसी में दिया है, £70 जो थे वो मैंने दिए बंदे को दिए, ठीक है। उसके बाद टिकट जो थी तो वो मेरी लगी तकरीबन £90 की, ठीक है, उसको संभव पूरी गल है ना कितना बनता है। बाकी अब देखो एयरपोर्ट से थोड़ा सा तो दूर होता है, अब मेरा एयरपोर्ट से कम 1.5 घंटे का फासला था,
और मुझे उसकी भी टिकट करवानी पड़ी आने की भी और जाने की भी, तो वो भी मुझे तकरीबन पड़ी है 22 pounds की, जो मैंने एडवांस करवाई है विद माई रेल कार्ड, ठीक है। और अगर आपने रेल कार्ड के थ्रू करवाई है तो रेल कार्ड लेके जाना, वो वहाँ पर चेक करते हैं। तो अब मेरा कम से कम अराउंड अबाउट 300+ तो ईजिली लग गया, तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था इटली पेरिस अगर मैं कहीं भी जा रहा था ना तो उसमें मेरी 40 pounds आने जाने की टिकट लग रही थी। तो यार यहाँ टिकट्स बहुत सस्ती होती हैं, ये फर्स्ट टाइम आपका थोड़ा ज़्यादा से कहो ना ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, क्योंकि आपने उसके अंदर एम्बेसी की फ़ीस भी डालनी होती है, वो एक बार ही लगती है, पर वीज़ा जो होता है वो आपका 6 माह का लगता है। तो यार ये जो मेरा ब्लॉग था वो सिर्फ उन लोगों के लिए था जो मुझे पूछते रहते थे कि यार यूके आने के बाद हम कहीं और मूव हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने बनाया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। 4 दिन बाद मेरा दोबारा एक टूर था 4 दिन के लिए, तो इंशाल्लाह ब्लॉग बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई डू सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you.